मुसलमान मौलवी और हिंदू में ऐसे हाथ डाल दे और ये क्या न छुए ऐसे खाली मैं देखा तो हूँ इधर देखाओ और आप जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि इस वक्त समाज को जोड़ने की ताकत रखनी चाहिए, अगर समाज जुड़ेगा नहीं हम कहते हैं तो देश सारे सुनो सारे चमार तो मैं नहीं चले गए, सारे पासी नहीं चुमाए, सारे यादव मुलायम सिंह नहीं चले गए, सारे सारे पंडित सारे तो कहीं नहीं जाएंगे, तो विपक्ष जितने नहीं गए हैं उन्हीं की जरूरत है, उनको ही जोड़ लें, कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं, उतने बहुत है। हाँ। कोई हमको क्या करना है, हमको तो अपना काम करना है, वही तो बताया कि हम लोगों को तो अपना घुमाए कुछ तो उतने ही जोड़ लें, वही बहुत है लोगों की बुद्धि। अब देखो जैसे जैसे अब आप सोचिए किसी गांव में कोई मंदिर बढ़िया है, किसी गांव सभा में कोई ऐसा सेंटर है नहीं, नहीं है, यही की बात नहीं करें, कहीं भी हर ग्राम सभा में एक ऐसा धार्मिक सेंटर होना जरूर चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए क्या है, जहाँ पर 10 आदमी 20 आदमी एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी बात कह सकते, घुमा बेटा पूरे पूरे तक नहीं कह सकते, नहीं नहीं ठीक है वो हमने बता दिया और पीछे तक, तो इसलिए ये बोले काम तो बहुत जरूरी है। एक सुबह सुबह इतना सा बिंदु समाज एक मैक नहीं लग सकता कहीं कि 4 बजे बच जाए, बाजा बच जाए, 5 बजे बच जाए, जानकारी हो जाए। हाँ अगर आपको अजान कान में कोई ऐसा समाज का आदमी जिसके कान में अजान न पड़ती हो, अजान से कहते भैया सुबह ना होगा उठ गया चलो, कोई भी ऐसा बाजा बचता है आपके यहाँ नहीं बचता, कोई वैसा बहुत अच्छी बात है आपके इनोना बजने लगा क्योंकि इनोना में इंटीग्रेशन चल रहा है। हाँ उनका लगता था सुबह पार, लेकिन अब उनके यहाँ भी कोई धार्मिक में हर जगह मंदिर बहुत जगह नहीं चार, अब जैसे यहाँ है यहाँ यहाँ एक बढ़िया मशीन हो, चार हरण हो यहाँ से बढ़िया गजब के चार हरण लगे हो, चार 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 मचे और ये टिल्ले भाई आवाज जा जाने कहाँ कहाँ जाए, 110 फीट ऊंचाई है, तो ये आप किसी की तरफ मत देखो कि वो हो जाए फलाना हो जाए धमाका करें, एक 10 आदमी संगठन बना लीजिए बढ़िया सा, 50-50 रुपया 100-100 रुपया आप जमा कर लीजिए, आप कम पड़े हमको बता दीजिए। कमेटी तैयार एक सूचना, जितने लोग बैठे हैं इस बात को आप लोग आपस में एक दूसरे से कहिएगा और उनसे कहिएगा कि आपको जो मिले आप उनसे कह दीजिएगा। क्या एक सूचना है, सूचना ये है कि अभी तक जैसे इनका मूर्ति चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी अनाचार दुराचार पाप चरम सीमा पर है, लेकिन अब हमारा मतलब कि एक संदेशा सुनो और एक दूसरे से बताओ। क्या बताओ कि जितने ही दुराचार और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उसकी कितनी तगड़ी घंटी बज गई है वो आप उसको सुन लीजिए, बहुत तगड़ी घंटी नहीं वो घंटा बज गया। क्या बज गया कि एक उत्तरी कोरिया एक देश है चाइना के पास में, और कितना बड़ा है तो इतना बड़ा अमेरिका के एक 100 कोने में, अमेरिका के चाइना जो चीन है, अमेरिका चीन रूस या भारत वही के कोने में अगर समा जाए वह इतना बड़ा है, ठीक उत्तरी कोरिया। तो अभी मैं यही कह रहा था कि एटम बम जापान में गिरा तो लाखों लोग मर गए और लाखों लोग विकलांग हो गए, आंधर हो गए, कोढ़ी हो गए, शरीर से फोड़ के बहे लाग, ठीक एटम से ज़्यादा पावरफुल बन गया परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नहीं परमाणु बना, ठीक वो धरा है अभी इस्तेमाल नहीं भा, और सबसे आखिरी बम जो आविष्कार हो रहा था सोचा जा रहा था वो बम बन गया हाइड्रोजन बम, ठीक हाइड्रोजन वह बम के परीक्षण उत्तरी कोरिया ने, चूँकि वहाँ का जो तानाशाह है और एकदम समझो वो चीनी है, वो उसने परीक्षण किया, यानी
एक अगरबत्ती सुलगाई से जो बम का मसाला था, तो जितनी अगरबत्ती में, अरे समझो माचिस की तीली, उतने खाली। उसने कहा जरा परीक्षण तो करें। तो जो परीक्षण के हित है तो इतनी दूर भूकंप आ गया, धरती डोल गई, पूरा पूरी दुनिया घबरा गई। अमेरिका, रूस, जापान, करे ये तो सारा पागल है, पता नहीं सारे पाग संकी आए हुआ। अब तक 73 लोगों को मरवा चुका। एक कोनो उनके रिश्तेदार रहे, उनका कुत्तन के आगे डलवा दिए, 10-12 कुत्तन का 3 दिन से भोजन नहीं मिला। इतना क्रूर शासक हुआ, 3 दिन से भोजन नहीं मिला और 10-12 कुत्तन का, 2 दिन का कुत्ता उनका नोच नोच के खाए। इतना क्रूर है वो शासक और संकी है। परीक्षण की है, अब सबके नानी मर गई। अब दुनिया, अब ये हमारा आप लोगों से ये कहना है कि अब भूल जाओ ये चोरी चमारी और टीका टिप्पणी या मुकदमा, भूलो। अब ये सोचो कि प्रभु, देखो ये भगवान की लीला है सब, कि प्रभु ने एक ये नोटिस दिया है। इस नोटिस के बारे में हर आदमी एक दूसरे से बताओ कि महाराज नमक रोटी खा लो, अब चोरी चमारी बंद करो और मांस मदिरा भी बंद करो, मांस मदिरा बंद करो, और नहीं तो परीक्षण हो जाएगा। एक माचिस की तीली से, माचिस की तीली बराबर उसने परीक्षण किया, पूरा थर्रा गया, पूरी दुनिया थर्रा गई। अब दुनिया वाले सोच रहे हैं कि कोनो तरीके से उसका बहला के फुसलाए के और कोनो देश में उसका बुलावा जाए और तुरंत उसका कैद कर लिया जाए। और उसके बाद ये बम जिन जिन देशों के पास में है, उन देशों को ये कहा जाए कि ये सब इसका नष्ट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आज बाबा आपको धर्म के बारे में जो बता रहे हैं कि धर्म है क्या, बाबा का धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक, तो सुनते सब लोग हैं, कहते सब हैं, करता कोई नहीं। आज वही जब मैंने ये बात शुरू की था कि टीवी में देख रहा था, तो हम भैया 77 साल की उम्र में, और है गीता की बात, लेकिन वो मुनि ने कहा विस्तार से कि प्राणी मात्र गाय गधा कुकुर सुअर बिलार मूस अजगर सांप जो जीव है तुम्हारे आगे हैं, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, उनकी जगह अपने आप को। यही तो हम बचपन से काम किया, अपने आप आए, हमका कोई सिखाई छोड़े, अंजाम क्या हुआ? इस समाज ने हमरे लगे नहीं आ ना 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 अरे गधा कुकुर। आज उसका जवाब हमको मिला, भगवान चाहेंगे तो कल खबर छपेगी और परसों आ जाए। ऐसा ना तगड़ा, अरे गीता बाप रे बाप, पूरी दुनिया में हमका दिखाओ ऐसी पुस्तक। मियाँ मुल्ला लोग बोले लगे थे, भाषण दिए लगे थे, कोनो करो मीटिंग हिया जहाँ कुछ नियम की आबादी हुए, और वहाँ लाउड स्पीकर मैं बोलूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, मैं घुमा के जूता मारूँगा, पटक के जूता मारूँगा, सुन बे, और नहीं सुनता है तो देख एक पागल के हाथ में एक शंकी है साला। 73 लोगों को उसने मरवाया बेदर्दी से, बुरी मौत। उस आदमी के उसने परीक्षण किया और पूरी दुनिया कांप गई। अब यही होगा, देखिएगा, अगर वो पकड़ में आ गया जहाँ उनका कोई जायब, जहाँ उनका 3-5 के है, वही के लगे तो है ही है, वो पागल तो पागल ज्यादा। हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। बस हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस पागल के हाथ में इतना बड़ा छोटा सा देश और इतना खतरनाक परीक्षण किया। अभी तक अमेरिका ने भी परीक्षण नहीं किया। क्यों क्यों? वो ऐसा वो बम है ना, बताओ माचिस की तीली बराबर का परीक्षण हुआ तो उतनी दूर की धरती हिल गई, भूकंप आ गया। परमाणु बम का परीक्षण सबसे पहले अमेरिका ने किया। उसके जवाब में अटल जी ने यहाँ किया, दो पोखरण वाला। हाँ नहीं, ये जो हुआ है, नहीं ये तो नहीं हुआ अभी तक किसी, ये हाइड्रोजन है। हाँ ये हाइड्रोजन है, सबके पास नहीं किया है वो। हाँ।
विधा है सबके पास, मगर किया नहीं, किया नहीं। अरे लोग सोचते हैं भैया वो बहस पंचायत सारे देश जो बाबा जी बता रहे हैं, भारत के पास तो एक ऐसी विधा है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हाँ हाँ सही, हाँ हाँ सही बात। अभी एक नई विधा ऐसी एक तैयार की है, ये सब इंडिया की बात करें, भारत के बाप नहीं, हाइड्रोजन बम का बाप है। एक मिनट, उसके पास एक ऐसा घुमाओ और फिर। अरे बहुत पहले अर्जुन ने अर्जुन से पूछा था कि कितनी देर में आप, तो अब एक बार बताओ कि जब गीता में लिखा हुआ है, गीता में है कि सारे प्राणियों में अपने आप को पाओ देखाओ, और पूरे जिले में हम ही हैं देखे वाले, और कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, सब देख रहा है अब दुनिया। बताए चल अरमान को लेके चलो, ये क्या हो रहा है, उस दिन हमारी आखिरी बात हुई, क्या हो रहा है लेकिन समझ नहीं रहे। तो अब कहने का मतलब है कि इन चीजों को गौर करने की जरूरत है। प्राणी मतलब बहरहाल लोगों से ये लोगों से कहो कि भैया दादा गेहूँ के साथ में घुन पिस जाई, दादा मांस में गिरा बंद, ठीक। तो जन बहुत लोग जवाब देंगे आपको, अरे हमारे के नहीं डर आई, अरे तुम सारो तुम तो मरी हो तो है लौटन बच्चन के काफ या सोचो नहीं अबैन को पूछिए तो खुद ही ना मारा ना खाली आए कहीं मारे नहीं भंडारा। तो कहने का मतलब है कि भाई अब यही एक संदेशा लोगों में फैलाओ कि गीता में यही लिखा हुआ है, सुनो सुनो तो गुनो, सुनो तो गुनो। भागवत कथा हुआ 18 लाख रुपए रायबरेली से हर साल चला जाता है, 18 लाख, ठीक। अब पूरी रायबरेली पूरा शहर हमें खूब अखबारों में पढ़ता है। इस वक्त की हाल बताओ मैं क्या, अभी एक महीने डेढ़ महीने के भीतर भीतर डेढ़ महीना बीता, जाते दिन नहीं बीता है, बस्तीपुर रायबरेली में एक जगह है मेला वाला लगा, बस्तीपुर से एक ठाकुर साहब ने पहले तो पूरी रायबरेली मथिन, यहाँ गए अस्पताल गए नगर पालिका में गए, वहाँ को सुना था, तब एक जने कहे कि श्याम साधु से मिलो जाए, हो सकता है आपकी मदद करें। गदागंज कोई गांव है, इधर है गदागंज, गदागंज साइड में वो मुन्ना सिंह है, ठेके का काम करते हैं, तो वो हमरे लगे आए, कह महाराज ये समस्या है। तो हम कहा महाराज उपाय पूछिए आए हो या कि हमरे ऊपर बोझा लगे हो, हाँ बच्चों खेलो तुम, तो ये बताइए कि आप उपाय पूछेंगे, कह महाराज हमारे हिम्मत नहीं पड़ा। एक बात बताओ ईमान ठाकुर साहब, क्या आपने हमको बंदर नचाने वाला और बंदर नचाने वाला मजा ये समझ लिया, बंदर पकड़ने वाला तो आपने हमको समझ रखा है, ठीक ठीक। फिर हो सकता है कोई जुगाड़ इधर बन जाए तो इधर आना हो जाएगा। वो ठाकुर साहब की समस्या जानते क्या थी कि वो बंदरिया रही पीछे, अब हम जाएंगे अब चलो उसी में बात हो जाएगी पक्का, पीछे उनके चूतर सड़ी गा रहे या बड़े बड़े कीड़े पड़े, अब जहाँ वो बंदरिया बैठे बुढ़ी रही जहाँ बैठे वहीं सड़ा हुआ खून और सड़ा हुआ पानी, अब गंधाए उनके आंगन घर जहाँ बैठ जाए, तो ठाकुर राम सोचे कि कहाँ हम जाई का करी, पूरी रायबरेली महना मथ डाली कोई नहीं आवा, अंत में हमारे पास जब आए तो हम कहा महाराज कुछ आप भी तो आप लोग भी करो, कह महाराज हमका डर लगा था तो हम कहा हमरे जान फालतू समझो काहे हमरे लगे आए, अरे महाराज अब कुछ तो करो, हम कहा वो ऐसा है ठाकुर साहब आप मेरी मदद करो और चाहे ना करो, श्याम साधु के वहाँ तो लाइसेंस से लेके आ जाए हम आएंगे, ठीक। फिर न्यूज देना यहाँ जाना, रात हो गई खड़ी देखा हम कहा एक बात एक दिसंबर की बात है, गाड़ी बड़ी अपन निकाला हमका मोबाइल में लावा, हमका भैया उस जगह मैं आ गया हूँ हमको लेने आए गए, तो बगले में एक मौर्या जी का घर नया बना है, अभी दरवाजा खिड़की नहीं लगा, बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी है,
तो वो बंदरिया जो है वही में रात में रात रही बहन के यहाँ छेद दिन जाए ठाकुर रात के यहाँ से जहाँ बैठे हुए सब पानी उनी धोए तो रात में कहीं ये देवाल फांदना है। फिर हम देवाल फांदा, एक तिवारी जी है प्रतापगढ़ के रहने वाले, उन्हीं के सामने वो घर बनवाए। तिवारी जी आए, कैमरा वैमरा हम हर जगह लेके जाते हैं, हर जगह क्यों जो हम आपको बताएंगे उसका प्रमाण भी रखते हैं कि देखो हम दिखा के कोई कमाई थोड़े आपसे कर रहे हैं या मांग रहे हैं, लेकिन देखो सोचो और फिर भी न दे तुमका दिखाई पड़े तो फिर कबीर का याद कर लो जो कबीर ने कहा यह जग अंधा और के समझाऊ को कैसा समझावे कबीर ने कहा। ठीक, अब वो लैंप आया, बिजली ससरी गए तो लैंप इमरजेंसी आ गया। अत्यवादी जी से कहा हम कहा दिखाए रहो मिट्टी का तेल लाओ, वो बेचारे मिट्टी का तेल लाए और वही प्लास्टिक के गिलास में भर के अब देखा टांग के ऊपर बैठी रही तो वो टांग। अच्छा हम यही काम करी थे ना तो हमारे अंदर ज़्यादा बंदर बंदर से भय नहीं लगे, काम अब अभ्यस्त हो गए हैं। फिर एक टांग पर पकड़ा, एक टांग में लिए हाथ में गिलास, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखो एक टांग पकड़े और टांग पर पैर रखे हम चल रहे हैं, इतनी दूर गए हैं जैसे आप वहाँ टांग ख़त्म होता है कमरा था। और उनके लगे गए तो ये उछाल के डाला तो कुछ आधा पीठ पर गिरा और आधा वही घाव पर दबा मिट्टी के तेल, खटखराए के कीड़े जो है वैसे निकले लाग, उसको राहत मिली। भाई जहाँ 10 आदमी का आपको मार रहे हैं वहाँ अगर 2 आदमी मारेंगे 8 आदमी हट जाएंगे तो आपको कुछ राहत लगेगी। तो कहाँ कहें कि वो मारे वैसे इसी भाग के आई, जब इधर भाग के आई तो हम फिर लौटे ना, हम कहा लाओ तिवारी जरा हम कहा मिट्टी का तेल दूसर उठाओ। जैसे गिलास में भैया मिट्टी का तेल लिया है, हो सकता है कैमरे में आ गया हो, तैसे बंजरियाऊ अपन छूटकर खुदे घुमाइन हमारे तरफ। भाई देखिए इतना उनको जानकारी थी कि कोई आया है हमको हमारी बचाव के लिए, वो खुदे घूम गई। अरे हम कहा बनेगा काम, पूरा गिलास जब डाला है तो ये गुच्छन में कीड़े निकले गुच्छन में। फिर हम कहा पानी लाओ, एक कटोरा भर के पानी पी, पानी हफ्तों से नहीं पिया। फिर तिवारी के यहाँ से रोटी आवा, अरे हम कहा ठाकुर साहब कुछ आप भी करोगे, अरे आप तो इनके कर्जी हो भगवान राम के हिसाब से, बकाओ राम हर क्षत्रि हनुमान जी का कर्जी ही तो है। रामेन ने तो कहा था कि हनुमान हम तुमसे कभी उद्धार नहीं होंगे। सीता जी ने अपनी सारी शक्ति सारे वरदान अठ सिद्धि नवनीत के दाता अस बर दीन जानकी माता, और फिर भी राम ने कहा कि हनुमान हम तुमसे कभी उद्धार नहीं होंगे। तो है हिंदुस्तान के क्षत्रियो बंदर का जरूर खवाओ, हनुमान के दर्शन जरूर कर लिया करो, मंदिर जाइए वहाँ आप 1 रुपया 8 आना जो हो मंदिर में पैसा चढ़ाओ, क्यों उससे मंदिर की व्यवस्था चलेगी, दिया बाटी घी पुजारी भोजन पानी सब उससे चलेगा। अब तुम गए 1 किलो लड्डू चढ़ाओ, देख अब 2-3 लड्डू मंदिर में चढ़ायो और बाकी सब तो बट गया, वो 2 लड्डू से का पुजारी का भला होगा, पुजारी जिंदा रहेगा, मंदिर की व्यवस्था चलेगी। इसलिए मंदिर में पैसा चढ़ाओ, अनाज चढ़ा दो सूखा अनाज, वही अनाज इकट्ठा करके अपना बेच देगा, तो चाहे अनाज डाल दो या पैसा मंदिर। लेकिन अगर हनुमान जी से कुछ काम लेना है तो हुजूर बंदरों को जरूर खिला दो, काम आपका हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी के दर्शन कीजिए और हनुमान जी का काम कीजिए तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ये मेरे जीवन भर का अनुभव है। फिर दूसरे दिन मैं गया, फिर उनका हम चद्दर बहावा वही मैं लौटाई गई और सब जने किनारे खड़े और उनका हम नींद दबोच फिर नहीं डराने। वही के बाद जब उनका हम दबोचा तो कोनो तरह भाई बड़े फुर्तीले हो जाना मुँह निकाल के, अरे भद्दी साँध यह काला काला निशान है, तो बड़कवा दांत इन्हें घुस ही गए, अहियाँ सब नसन के जाल आए और बहे जो खून खून बह रहा है। हम जल्दी जल्दी उनका लपेटा बोरे में भरा, फिर ठाकुर साहब से कहा हम कहा भैया कोनो पट्टी उट्टी लई होगी कि मतलब बाबा जी की भी समाधि यहीं बनवाओगे, लाओ जल्दी से जाके। तब है तब कपड़ा उपड़ा लाए जल्दी से पानी भिगो के, हम कहा फिटकरी लाओ, फिटकरी नहीं मिली, हम कहा पानी में खाए वाला चूना है, कहें हाँ है वही लाओ, तो हम कहा चूना धरो गीली पट्टी बांधा
और उनका बंदरियों का भोरे में भर के अस्पताल सीधे गए। वहाँ गए तो अस्पताल में यही काम करते हैं ना, तो रुतबा तो वही है। सरकार भी वहाँ के डॉक्टर पार्टनर सभी डरा कि ये बाबा शिकायत कर देगा तो आंधी आ जाएगी। तुरंत डॉक्टर आए, कंपाउंडर आए, उनका हाथ पैर घोड़ बांध करके और दवाई दाजी गई। फिर अंदर से कीड़े निकले लाग, फिर एट्टी सी वही रुई भरी गई दवाई मिला के। पट्टी हमका पट्टी उट्टी नहीं, ये कर ले हैं इनका हाथ बांध, तो हाथ बंधवा दी, फिर बोरे में भरा और लेके घरे आवा। ठीक, अब घर में औरतें ना हम सब्जी लाई, ना हम कमा के लाई, ना हम आटा पिसाई, वो हमें लालू कैसे हमका झेलत है जरा अंदाजो अंदाजो। कहीं कहा लाए हम, कहा देखो अभी अभी कहीं हम जानी छे भगवान। अरे अरे अब तो बुढ़ापे में अब ये का कर रहा है, अभी को मरी को देखी यही का क्या। हमारी बेटी आजकल यही है, आदमी हवाई जहाज में है उनके, तो आजकल यही है। तो उसने माँ को डांटा, कहें कि अम्मा तुम चिंता ना करो, हम सेवा करें। और भैया उनका निकाला और हाथ उनके बंधा रहे, हाथ बंधा रहे तो उनके आगे दूध मंगावा। अभी खातिर बातिर शुरू भाई, डायरेक्ट हनुमान जी के बंधा जाए। वो बढ़िया बढ़िया उनका खाना पीना और ड्रेसिंग अस्पताल जाना ये चालू होगा। एक 20-22 दिन के बाद उनके खाना थोड़ा रहेगा रहे। फिर दो बड़े बड़े विकराल बंदर, बड़े ये बड़े बड़े दो ही जने आए। ये अब का अब चल के खो जाए भाई बंदरिया के लगे भाई। खैर किसी तरीके से हम कहा इतना जख्म है कि जड़ी बूटी खाए के अपन ठीक कर ले हैं भैया को जानवर। तब उनका कोई तरह उनका केला भावा गया, तो जौन चौधरी रहे वो जैसे केला की ओर बढ़े उतने में झट से बंदरिया के रस्सी बांधे रहे, झट से अंदर चल बोरे में भरा। अब बोरे में भर के फिर दो तीन जने का हमारी बिटिया बुलावे गई, कई लोग आए। वो पलाका जौन होट दगावागा आंगन में, तब वो जौन चौधरी भगे। जब वो भगे उतने देर में बोरा लेके देखे रहो क्या क्या झेलना पड़ता है। नाती से कहा बेटा स्कूटर स्टार्ट कर दो ताकि हम आवे और तुम भर से लेके निकल जाओ, और नहीं तो ये हमका खा जाएंगे। देखे रहो क्या क्या झेलना पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट रही, बोरा लेके भगे, जल्दी से बैठा गाड़ी लेके साए 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 बस्ते पूरा है। वहाँ भी कैमरा निकाला बनाया कि ये हमारा समाज है, उनका हम विदा किया हो गया। अरे भैया सुनो, अरे रुक जाओ, वो काम आप कहते हैं 10 मिनट, वो 10 मिनट के मतलब वो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा महाराज। तो आप हमको देखिए, हम वहाँ हमारे यहाँ जानवर भर्ती है, आप बंदर को खिलाते रहिएगा, वो तो हमारा रोजे काम है, सुबह मैं बंदर खिला के ही आ रहा हूँ। तो आप वही चूँकि पब्लिक इकट्ठी है, 5 मिनट के लिए सब लोगों का बुला लो, सब कोई 5 मिनट 2 मिनट के और दुप दुप फोटो खिंचवाओ और हमका विदा करो। ये अब बस भीड़ हमको चाहिए, आला माला हो चाहे वहीं चलो, है ना भाई। अखबार वाले जितनी भीड़ देखेंगे बस। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए। तो हाँ, तो वही हम बता रहे थे, इसको हम रोक दें। तो वही हम बता रहे थे किसी तरह बस